हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम यूट्यूब चैनल। ज्ञानम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोर्स ऑफ एक्शन की जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की रहती है? 1 to 2 marks। ठीक है जी। कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनालिटिकल है, और एनालिटिकल चैप्टर में यहाँ पे आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एक एनालिटिकल चैप्टर है, और एनालिटिकल चैप्टर में हमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना होता, हमें दिमाग से सोच के आंसर देने होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी थिंकिंग गैप आता है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, हम बच्चों की तरह सोचते हैं। पर जब हम इस टाइप के चैप्टर करते हैं तो हमें एक मैच्योर पर्सन की तरह सोचना होता है। अब जैसे कि ये चैप्टर है, आपको इसमें प्रॉब्लम बताई जाएगी, आपने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताना है। ठीक है जी। अब सल्यूशन बताते टाइम आपने ध्यान किन चीज़ों का रखना है, आपने कुछ इस तरीके से सोल्यूशन बताना है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन नहीं बताने कि जो हो ही ना सके, राइट? और जो सोल्यूशन आप बताओ उससे कोई नई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और आंसर आना होता है, ठीक है, पर जब आप आंसर मैच करते हो तो कोई और ही आंसर गिवन होता है। ये थोड़ा सा मिसमैच आपके आंसर्स में क्यों आता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी होती है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन फ़ायदा कब होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस में इस चैप्टर को लेकर आओगे। ठीक है। अब इस चैप्टर का काम क्या है, प्रॉब्लम दी गई है, सोल्यूशन बताना है। ठीक है, सोल्यूशन बताते टाइम एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो सोल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, और उससे कोई नई प्रॉब्लम आपकी जनरेट नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम कम होनी चाहिए, जनरेट नहीं होनी चाहिए, राइट? आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब क्वेश्चन में होगा क्या, आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। अब आपने आंसर मार्क करना कैसे है, जैसे कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपका पहला जो सोल्यूशन है वो ठीक है, सेकंड गलत, आंसर क्या मार्क करोगे, ओनली वन फॉलोस। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सोल्यूशन गलत है, सेकंड ठीक, क्या आंसर मार्क करोगे, ओनली सेकंड फॉलोस। अगर पहला भी गलत है, सेकंड भी, आंसर क्या मार्क करोगे, नीदर नॉर। अगर दोनों सही हैं तो बोथ, बचा क्या, आइदर और। कब आएगा आइदर और? हाँ जी, कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आइदर और भी आंसर में आता है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देयर इज हैवी ट्रैफिक बिटवीन 6 PM एंड 8 PM, ओनली 2 किलोमीटर ड्राइव टेक्स हाफ एन आवर। प्रॉब्लम क्या है, 6 से 8 के बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 किलोमीटर चलने को आधा घंटा लग जाता है। आपके सामने प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन कैसे दोगे, रोड्स को चौड़ा कर दो। सोचो क्या रोड चौड़ी होती हैं, बिल्कुल, क्यों, जो ट्रैफिक बड़ा होगा हाईवे पे बड़ा होगा, मेन रोड पे बड़ा होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है घर के बाहर जहाँ पे आप एक मोहल्ले में रहते हो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया होगा। ट्रैफिक बड़ा कहाँ पे होगा, उस एरिया में जहाँ से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़, है ना, निकलते हैं, ज़्यादातर लोग जहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पे रोड चोरी करना पॉसिबल है। यस, बिल्कुल है। ट्रैफिक शुड बी डाइवर्टेड टू डिफरेंट रूट्स। अब कई बार क्या होता है, हमें भी पता चल जाता है, जब हम ऑफिस से घर जाते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं, हमें पता होता है कि इस रूट से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, तो बेटर मैं ये शॉर्टकट ले लूँ, या मेरे इस रास्ते में ये विलेज पड़ता है, मैं इस विलेज से पास कर जाऊं तो मुझे टाइम कम लगेगा। हम खुद ही ट्रैफिक अपना खुद ही डिफरेंट रूट पकड़ते हैं। कई बार क्या होता है, अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये रोड ख़राब है या कुछ, वो खुद ही ट्रैफिक को क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने से भी क्या होगा,
क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, है ना। अगर चार लोग हैं वो ए बी सी डी, तीन चार रास्ते हैं, अगर सारे एक रास्ते से जाएं तो ट्रैफिक उस साइड ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट रास्ता पकड़ लें सारे तो ट्रैफिक क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रोड को चौड़ा करना भी पॉसिबल है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना भी पॉसिबल है। हम आंसर क्या मार्क करेंगे, बोथ, दोनों सही है। ठीक है जी, रोड भी चौड़ी कर दो, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दो। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इज, हाँ जी, रिलेटिव्स ऑफ मिनिस्टर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस एंड हरास पुअर एंड हेल्पलेस। अब जो मिनिस्टर के रिलेटिव है वो एडवांटेज उठाते हैं उनकी पोस्ट का, जिससे जो गरीब लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, प्रॉब्लम ये सामने आई है। ठीक है जी, अब उन्होंने एक्शन में बताया कि जो पीपल हैं शुड वोट फॉर अ पर्सन हु हैज़ नो रिलेटिव। इज इट पॉसिबल कि आप सिर्फ उसी बंदे को वोट करो जिसका कोई रिलेटिव ही ना हो? ना जी, नहीं पॉसिबल, गलत हो गया। मिनिस्टरशिप शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु हैज़ नो रिलेटिव। मिनिस्टरशिप देनी ही उस पर्सन को चाहिए जिसका कोई रिलेटिव ही ना हो, ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा हमारा, नीदर नॉर। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट, फिल्म एक्टर्स यूज देयर पॉपुलैरिटी एंड बिकम इवन चीफ मिनिस्टर, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे नो ओनली टू मिस यूज द रिसोर्सेस। जो फिल्म एक्टर्स हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है जी, और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, बस वो अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं। क्या किया जाए, फिल्म एक्टर शुड नॉट बी अलाउड टू फाइट इलेक्शन। फिल्म एक्टर्स को अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन को फाइट कर सके, गलत चीज़। क्यों, हमारा राइट है ये, अगर कल को आप भी वोट में खड़े होना चाहो तो हो सकते हो, आप भी इलेक्शन जीतना चाहो तो आप भी खड़े हो सकते हो, एमपी बनना चाहो बन सकते हो। ठीक है, तो हमारा राइट है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, राइट। पीपल शुड नॉट वोट फॉर अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लोगों को नॉन पॉलिटिकल पर्सन को वोट ही नहीं करना चाहिए, गलत। ये भी आपका राइट है, जिस मर्जी को वोट करो, ना आप किसी को बोल सकते हो कि इसको वोट करो या उसको वोट ना करो, ना मैं बोल सकती हूँ। क्यों, हमें ये राइट गिवन है, जिस मर्जी को वोट करो, जब मर्जी जिस मर्जी को अपना एमपी चुनो, जो मर्जी करो। ठीक है जी, हाँ जी, और आप किस किस को बोल लोगे, अपने फ्रेंड को बोल लोगे, है ना, अपने रिलेटिव को बोल लोगे, बोल ही सकते हो, माननी ना माननी अगले की मर्जी है। ठीक है जी, तो दोनों गलत हो गए, आंसर क्या मार्क करेंगे हम, नीदर नोर। हाँ जी, नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर डिग्री बाय अनफेयर मीन्स। ज़्यादातर स्टूडेंट डिग्रीज लेते हैं अनफेयर मीन्स से। दो स्टूडेंट्स आर अनएबल टू क्वालिफाई इन एनी कॉम्पिटिशन एंड दे आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। वो कहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनफेयर मीन्स से डिग्रीज तो ले लेते हैं पर बाद में उनका कोई भी पेपर क्लियर नहीं होता, जिससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब क्या किया जाए प्रॉब्लम का, ऑल द अनफेयर मीन्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टॉप्ड। बिल्कुल ठीक कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी ऐसे अनफेयर मीन्स से काम किए जाते हैं उन सबको बंद करवाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सच स्टूडेंट शुड नॉट बी काउंटेड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। हमें कौन बताएगा कि मैंने डिग्री कैसे ली, इवन आपको आपका फ्रेंड भी नहीं बताएगा कि उसको डिग्री मिली कैसे है, उसने पढ़ के ली है या उसके मम्मी पापा को कोई जानता था जिसकी सिफारिश से उसने उसका पेपर क्लियर करवा दिया, कोई बताता ऐसी चीज़, नहीं बताता। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अनफेयर मीन से डिग्री ले ली है ना, उनको हम कैसे पता चलेगा कि हमने इनको काउंट ही नहीं करना, हमें कोई बताएगा ही नहीं, गलत हो गया।
Answer is only one follows, but second does not. I hope guys clear hai itna. Haan ji, next is Indian players Indian players have failed to grab any medal in recent tournament. India ke jo player hain wo fail ho gaye hain koi bhi medal lene mein tournament mein. Phir kya ho gaya? Kya kiya jaye ho gaye to? India should not participate in such a tournament. Galat ho gaya. हार जीत तो चलती रहती है, ये थोड़ी ना बोलोगे कि आज के बाद इंडिया को पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए. गलत बात है. इंडियन प्लेयर शुड बी पनिश्ड फॉर देयर फेलियर. गलत है ना, हार जीत तो चलती रहती है. इसका मतलब ये थोड़ी है आप इंडिया को बोलोगे कि आज के बाद कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना या फिर उनको पनिश कर दोगे. अब कई बार क्या होता है, आपके नंबर भी कम आ जाते हैं टेस्ट में, है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी आपके पेरेंट्स आपको ये थोड़ी ना कहते हैं आज के बाद कोई टेस्ट ही नहीं देना. या फिर आपको ये भी नहीं कहा जाता आज पूरा दिन तुझे खाना ही नहीं मिलना, आज बाहर सो, आज घर के अंदर नहीं आना, या फिर बहुत सारी मार पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. हाँ थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती है, दैट इज़ ओके, बट आपको पनिश नहीं किया जाता, राइट. तो आंसर इज नीदर नॉर. हाँ जी, नेक्स्ट इज इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली द बैटिंग लाइनअप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडियन क्रिकेट टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, बैटिंग तो बेस्ट है, क्या किया जाए. देयर शुड बी लीस्ट चेंजेस इन प्रेजेंट टीम. बिल्कुल, क्योंकि अच्छा वाला तो खेल रही है तो कम से कम चेंजेस ही होने चाहिए. इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एन एक्शन टू इम्प्रूव द बॉलिंग स्टैंडर्ड. हमें बोला क्या गया है, इंडिया की टीम अच्छा खेल रही है, बैटिंग तो ओए होए बेस्ट है. यहाँ पे बोल क्या दिया, उनको अपनी बॉलिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए. गलत. हमें किसी ने नहीं बोला कि बॉलिंग ख़राब है, हमें तो सिर्फ इतना बोला गया है बैटिंग तो अच्छी है. अब ए और बी दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको मैं बोलूँ दोनों बड़े ही इंटेलिजेंट हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है. ए की राइटिंग बड़ी अच्छी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है बी की राइटिंग ख़राब है. मैंने तो ये बोला ए की तो राइटिंग बड़ी अच्छी है, बी की राइटिंग ख़राब है या नहीं मुझे नहीं पता, है ना. तो बॉलिंग कैसी है, बॉलिंग को इम्प्रूव करना है, ऐसे थोड़ी ना हमें क्या पता, राइट. तो सेकेंड इज रॉन्ग, आंसर इज ओनली वन फॉलोस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन कश्मीर. पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहाँ पे, कश्मीर में. इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सम इन कश्मीर एज वेल एज फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज. पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर में और ये अदर मुस्लिम कंट्री से हेल्प ले रहा है, क्या किया जाए. इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. लड़ना तो हमें है ही नहीं, ठीक है. इंडिया शुड मोबिलाइज अदर कंट्रीज टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एंड इट्स सपोर्टर. इंडिया को अदर कंट्रीज को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान को कुछ समझाओ, उसके सपोर्टर्स को कुछ समझाओ. बिल्कुल ठीक. अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोई दिक्कत आ जाती है तो आप लड़ाई थोड़ी ना करनी शुरू कर दोगे, आप क्या करोगे अपने बॉस को बताओगे, है ना, कि इस चीज़ को हैंडल कर लो, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है. अब वो डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछ सकते, किस तरीके से पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से पूछ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन और हमारे वहाँ पे क्या है, इमोशन अटैच होते हैं, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको डाले जाते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन फार्मर्स आर लिविंग एट द मर्सी ऑफ मॉनसून, वन आवर इट फेल्स दे आर रुइंड. बोला क्या गया है, इंडियन फार्मर्स जो हैं वो मॉनसून पे जीते हैं, अगर मॉनसून अच्छी हो गई तो फसल अच्छी, नहीं तो फसल खराब. अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट शुड अरेंज अल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन. यस,
गवर्नमेंट को अल्टरनेट सोर्स ऑफ इरिगेशन बिल्कुल लाने चाहिए। इंडियन फार्मर शुड लीव देयर फील्ड्स एंड स्टार्ट सम अदर बिजनेस, बिल्कुल ठीक, दोनों ही ठीक हैं। आंसर क्या आएगा हमारे पास, बोथ, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इंडियन फार्मर शुड लीव देयर फील्ड, नहीं आप ये थोड़ी ना कहोगे, है ना, कि ये काम बंद करके कोई अगला काम शुरू करो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, गवर्नमेंट को और सोर्स लाने चाहिए इरिगेशन के, बिल्कुल ठीक है। इंडियन फार्मर अपना काम छोड़ दें और कुछ और काम शुरू करें, नहीं, गलत। ठीक है जी, कल को आपको बोला जाए ऑर्गेनाइजेशन घाटे में है, क्या किया जाए, आप बोलो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो, यहाँ पे बार खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए एडवाइस करनी चाहिए, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हमारी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, है ना, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके, ना कि बॉस को बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो, राइट। तो आंसर इज ओनली वन फॉलोस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ पेपर हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट, प्रिंटिंग चार्जेस, रेलवे प्राइस एंड अदर चार्जेस आर ऑल्सो हाई। पेपर की कॉस्ट बढ़ गई है। अब पेपर की कॉस्ट बढ़ने से क्या हो गया, जिस जिस चीज़ में पेपर यूज़ होता है उन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई, जैसे बुक्स हो गई, है ना, न्यूज़पेपर हो गया, आपकी कॉपीज़ हो गई, हर चीज़ में जहाँ पे भी पेपर यूज़ हुआ उनके रेट बढ़ गए। अब क्या किया जाए, रेट तो बढ़ गए, गवर्नमेंट शुड गिव एडिक्वेट सब्सिडी सो दैट पब्लिशिंग हाउसेस डोंट इंक्रीज प्राइसेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। कहते या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, ठीक है जी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो हमें रेट जो हैं वो नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो पब्लिशिंग हाउसेज शुड इंक्रीज द प्राइस सो दैट दे कुड रन देयर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। पहली चीज़, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो हमें रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, बट अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी तो हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्यों, उनको भी तो खाना खाना है। अगर रेट बढ़ गए, उनको चीज़ कॉस्टली मिल रही है, वो तभी अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे ना, अगर वो कम से कम आपको कॉस्ट पे तो चीज़ बेचेंगे, मतलब उनको कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी, है ना, राइट ना, तो रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। अब या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो उनको अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सो आंसर इज आइदर और, कॉस्ट बढ़ गई पेपर की, सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ गई, सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ी है तो क्या होगा, या तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, नहीं सब्सिडी देगी तो हमें जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है। आई होप गाइस इतना क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट इज, डिस्पाइट गुड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में प्रोग्रेस तो अच्छी है बट फिर भी अंडर नरिश्ड बच्चे पाए जा रहे हैं रूरल एरिया में, क्या किया जाए, या तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड यूज दैट मनी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लास, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को ये तो पता है कि देश के पास पैसा है, कहाँ पे है पैसा, अमीरों के पास है, कहाँ तक पहुँचाना है, रूरल एरिया में गरीबों तक पहुँचाना है। अब गवर्नमेंट जाके बोले मुझे पैसे दे दो तो कोई नहीं देगा, गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, टैक्स से पैसा कहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, और जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, रूरल एरिया तक पहुँचाया जाएगा, अंडर नरिश बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोग कहोगे कि टैक्स
तो हमसे लिया जाएगा, हम क्या हैं, हम तो मिडिल फैमिली से हैं। नहीं जी, टैक्स पे भी क्या होती हैं, ऐसा नहीं होता कि टैक्स सब पे सेम लगता है। टैक्स क्या लगता है, इनकम के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करता है, जिसकी इनकम कम है वो टैक्स कम पे करता है। इनकम टैक्स की भी क्या होती हैं, स्लैब्स होती हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम लाइक फ्री मील इन प्राइमरी स्कूल एंड मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। बिल्कुल ठीक, ये तो अब चल भी रहा है, सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ये क्या बोला जाता है, फ्री मील दी जाती है ना जी। क्लियर, आंसर इज बोथ। आई होप गाइस चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स ऑफ फोर व्हीलर इज एडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन इन द मेट्रो सिटीज। पब्लिक शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर प्राइवेट व्हीकल्स सो व्हाइल ट्रेवलिंग टू देयर वर्क प्लेसेस। अब हुआ क्या, फोर व्हीलर आने से क्या हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया। अब क्या किया जाए, पब्लिक को इनक्रेज करवाया जाए कि जब चार लोग सेम जगह पे जा रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी को क्या करें, शेयर करें। और आजकल आपको भी पता है कार पुलिंग भी हो रही है, बाइक पुलिंग भी हो रही है। बिल्कुल सही चीज़ है, कार पुलिंग हम लोग कर सकते हैं। अब सेकंड, गवर्नमेंट शुड लेवी हैवी टैक्सेस ऑन मोटर कार्स इन मेट्रो सिटीज़। गलत, अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा हमें डोमिनोज़ का अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा हट का अच्छा लगता है, एक बेकरी शॉप होती है ना घर के पास, पिज़्ज़ा तो वहाँ पे भी मिलता है, बल्कि वहाँ पे थोड़ा चीप भी मिलता है डोमिनोज़ के कंपैरेटिव। तो फिर आप लोग डोमिनोज़ पे जाके पिज़्ज़ा क्यों खाते हो, क्यों? अगर पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं तो हमें टैक्स देने के पैसे भी हैं। हमने गाड़ी लेनी है क्रेटा, है ना, पर टैक्स लग रहा है, नहीं ले पा रहे। क्रेटा ना लेकर i20 ले लेंगे, है ना। अगर गाड़ी की नीड है तो बंदा उतनी ही इनकम में एडजस्ट कर लेगा। ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस इतने लग जाएं कि कोई बंदा चीज़ ही ना खरीद पाए, इतना भी टैक्स नहीं लगेगा, राइट। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत होगी। क्यों? अगर आपके पास पिज़्ज़ा खाने के पैसे हैं तो टैक्स देने के पैसे भी हैं, राइट। तो गाड़ी खरीदने के पैसे हैं तो टैक्स देने के पैसे भी हैं हमारे पास, ठीक है जी। क्लियर, तो आंसर इज ओनली वन फॉलोस। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मेन चीज़ क्या है आपकी, अब प्रैक्टिस। एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है, फर्स्ट चीज़ क्या थी यहाँ पे, किस चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन मेरा प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, कोई नई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जहाँ पे ओनली वर्ड दिखे वो एक्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों? किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ इकलौता एक सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इन क्वेश्चन में कहीं पे भी ओनली नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया कि जहाँ पे भी सॉल्यूशन में ओनली दिखे तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। एक बार अच्छे से इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू जी।